हेलो फ्रेंड्स, रॉयल बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑल ओवर सूट की कुर्ती और सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती का मेजरमेंट लिख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है अपनी 41 इंच, सीना है ये भी 41 इंच, कमर अपनी है 39 इंच और हिप साइज रहेगा इसका 43 इंच। अब हम इसमें टोटल जो लूजिंग देंगे 3 इंच देंगे, सीने में भी, कमर में भी और हिप में भी, प्लस 3 इंच प्लस 3 और प्लस 3, यानी कि सीना हो गया हमारा 44 इंच, कमर हो गई 42 इंच और हिप हो गई 46 इंच। अब इसके बाद इसको दो से भाग कर देंगे। इसका हो गया सीना 22 इंच, कमर अपनी हो गई 21 इंच और 46 इंच जो अपनी हिप है ये हो गई 23 इंच। इसके बाद हमारी जो बाजू है वो है 16 इंच, मोरी 11, गला हमारा है सामने का 6.5 और बैक 6 इंच। सलवार का जो मेजरमेंट है, लंबाई इसकी 37 इंच, मोरी 6.5 और जो हमारी ऊंचाई रहेगी मोरी की वो रहेगी 2.5 इंच। तो आप कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास 4 फोल्ड किया हुआ 5 मीटर कपड़ा है। इस तरह से 125 सेंटीमीटर यानी कि 125 × 4 = 5 मीटर होगा ये अपना। अब इसको हम 2 फोल्ड में ले लेंगे इस तरह से। अब हम सबसे पहले हिप के मेजरमेंट को लेंगे, उसी के हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। हिप का जो मेजरमेंट हुआ था हमारा वो आता 23 इंच, तो 23 का भी हाफ हो गया 11.5 इंच, क्योंकि ये 4 फोल्ड हो जाएंगे, 2 और 2 4, तो 23 का भी हाफ हो गया 11.5, और 11.5 में 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो साइड में दबा होगा, 11.5 और 2 13। तो सबसे पहले हम 13.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से पकड़ के कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह। सामने और बैक की कटिंग एक साथ ही करेंगे। सबसे पहले हम एक निशान लगा लेते हैं बिल्कुल सीधा इस तरह से। जब भी हमारा गला, बैक गला 4 इंच से बड़ा हो तो हम तीरा 6 इंच लेंगे। ये गला हमारा बैक गला 6 इंच का है, तो इसलिए हम तीरा जो है ना 6 इंच ही लेंगे इस तरह से। और जो मुड्ढे का निशान है हम 7 इंच लेंगे, और यहाँ से भी हम 6 इंच। इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला दिया हमने, और जो मुड्ढे का निशान लगाया था उसको बिल्कुल सीधा कर लिया इस तरह से। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान ज़्यादातर 15 इंच पे लगता है सभी का, कोई छोटा साइज हो तो उसका हम जो है ना 14.5 पे लगा लेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा साइज है तो 15.5, बस मैक्सिमम 15.5 पर। अब इसके बाद हम मुड्ढे से 14.5 इंच पर लगाएंगे निशान हिप का, जो मुड्ढे का निशान लगाया उससे। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से अब सबसे पहले हम सीने का निशान लगाएंगे। सीना हमारा तैयार हो गया था 22 इंच, 22 का हाफ 11 और
जो हमारी कमर का निशान था, कमर का निशान हो गया था 21 इंच, 21 का हाफ 10.5। जो हमारा हिप का निशान था वो आ गया था 23 इंच, 23 का हाफ 11.5 इंच। इस तरह से ये देखिए, ये 22 इंच था हमारा सीना, 22 का हाफ 11 और कमर का निशान 21, 21 का हाफ 10.5। हिप का साइज जो था 23, 23 का हाफ 11.5। ये देखिए, अब हम इसकी लंबाई देख लेंगे। लंबाई है इसकी 41 इंच, तो हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 41 रख 42, क्योंकि आधा इंच हम बैक एक्स्ट्रा रखेंगे और आधा इंच जो है ना सामने में जो हम दबाव आएगा, तो 42 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे हम, क्योंकि हम सामने और बैक इकट्ठा काट रहे हैं इसलिए 42 इंच लिया, नहीं तो हम 41.5 इंच लेते आधा इंच एक्स्ट्रा। अब ये निशान हमने लंबाई का तैयार कर लिया। इसके बाद जो हम नीचे फोल्ड करेंगे, 3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा और एक निशान लगा लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। अब एक निशान हिप का जो हमने यहाँ पर लगाया था 11.5 इंच का, इधर भी 11.5 इंच का निशान लगा लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे हम इस पल्ले को। इस तरह से अब से पट्टी की सहायता से हम सीने और कमर के निशान को आपस में मिला देंगे इस तरह से, और जो एक कमर का निशान है इसको हिप के निशान से मिला देंगे, ये पेट की शेप आ जाएगी इस तरह से। किसी का पेट कम है तो हम इसे पट्टी से बिल्कुल सीधा निशान इस तरह से लगा लेंगे यहाँ से, और ज़्यादा पेट है तो इसको यहाँ से लेंगे। अब आ जाइए बैक क्रॉस के निशान पे। हम जो बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे इसमें लगाएंगे 2 इंच पर, क्योंकि हैवी साइज है, अगर कम साइज होता तो हम इसको 38 तक भी होता ना तो फिर 1.5 या 2.25 इंच पर लगाएंगे। हैवी साइज का सूट है इसलिए हम इसको 2 इंच पर निशान लगा देंगे बैक क्रॉस का। इसको इस तरह से मिला लेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट से मिलाने हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, एक निशान और लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। गला जो है हम अभी नहीं काटेंगे, गले को जो है ना हम बुकरम को अपनाएंगे, वो भी आपको काट के दिखाऊंगा मैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमने 7 इंच का निशान लगाया था, जो इससे थोड़ा सा हमने दो सूत ऊपर से लेना है डाउन करके इस तरह से, इसको इसमें मिला देना है और इसकी 2 इंच तक सीधा चलेंगे हम, फिर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता से घुमा देंगे इस तरह से, और यहाँ बिल्कुल सीधा एक कट लगा लेंगे चारों पल्ले में, और एक कट लगाएंगे हम हिप के निशान पर ताकि पल्ले ऊपर नीचे ना हो, एक कट लगाएंगे हम सेंटर में इधर, और एक लगाएंगे इधर, जहाँ एक कट बिल्कुल छोटे होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं। अब हम नाखून से ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि सेंटर के निशान उठ जाए हमारे। इसके बाद हम सामने को अलग कर लेंगे और बैक को अलग। ये बैक हमारी कंप्लीट है। अब सामने में से हम
आधा इंच डाउन कर लेंगे। ये 7 इंच था तो इसको 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इधर से भी आधा इंच कम तो इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब जो सामने की क्रॉसिंग है हम इसको कम कर लेंगे इस तरह से, इतना 1/4 इंच के करीब ये हम 1/4 इंच रखेंगे। इस तरह से ये हमारे सामने की भी कटिंग हो गई है। गले कटिंग बताता हूँ मैं आपको अभी, ये हम इसमें से 8 इंच चौड़ी और गला हमारा 6.5 इंच लंबा है तो आधा इंच ऊपर दबाव के लिए और 1 इंच और एक्स्ट्रा, यानी कि 8 इंच लंबी बुकरम का पीस काट लेंगे। ऐसे ही एक और पीस काट लेंगे बैक गले के लिए। अब इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए जो चौड़ाई रखेंगे हम तैयार, 5.5 इंच रखेंगे और जो डीपनेस थी इसकी गहराई 6.5 इंच, 1/2 इंच ऊपर दबाव के लिए तो 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसी तरह से 3.5 इंच पर एक निशान यहाँ पे, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से और इसको भी सीधा कर लेंगे। इसको हम पाम की शेप देंगे तो सबसे पहले हम शेपर की सहायता से इसको इस तरह से कर लेंगे। अब इसको शेपर को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ डॉट पॉइंट से थोड़ी सी शेप दे लेंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ से शेप दे लेंगे इसकी, इस तरह से हमारा गला बन गया ये। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम, देखिएगा कुछ इस तरह से शेप आएगी इसकी। अब बैक गले की कटिंग करेंगे हम, बैक गला हम गोल ही रखेंगे पौने 3 ही हम इसकी भी चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से भी 3.5 इंच यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहे तो, नीचे से इसको बढ़ा लेते हैं हम। अब इसको सीधा कर लेंगे, दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब इसकी जो गहराई थी बैक गले की 6 इंच थी और आधा इंच मार्जिन 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको भी सीधा कर लेंगे हम इस तरह से। अब हम सेफर की सहायता से इसकी गोलाई का निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए अब इसको कट कर लेंगे, शेफर की सहायता से आसानी से आप गले की कटिंग कर सकते हैं, इसलिए आपके पास शेफर होना जरूरी है। ये देखिएगा इसकी गोलाई अच्छी तरह से आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ गले को कैसे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसको कपड़े पे सिलाई कर लेंगे। और फ्रंट पे रख के इस तरह से ये सामने गला तैयार हो जाएगा हमारा ऐसे। इसके बाद बैक गला ऐसे ही।
इसको भी हम कपड़े में अटैच करके और बिल्कुल सेंटर में रखे, इस तरह से सीधी साइड में रखे, अंदर की तरफ पलट लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे। ऐसे गुलाब बनाने की वीडियो भी मैंने पहले डाल रखी है, अब पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कुर्ते की सिलाई करके डाल रखी है। तो ये तो हमारे सामने और बैक कट गए हैं, अब कटिंग करेंगे हम सलवार की। सबसे पहले जो हमारे पास कुर्ती के साइड में से कपड़ा बचा था, ये इसमें से हम सलवार के पार्ट की कटिंग करेंगे। इनको बिल्कुल बराबर कर लेंगे हम, एक निशान बिल्कुल सीधा लगा लेंगे वेस्टेज के लिए, इसको काट देंगे वेस्टेज को हम। अब जब सलवार की लंबाई थी हमारी, ये देखिए 37 इंच है, तो 37 इंच में से हम 5 इंच माइनस कर लेंगे, 37 माइनस 5 यानी कि 32 इंच, 32 इंच के हम बेल्ट और कली तैयार रखेंगे अपनी। ये 5 इंच का जो है ना हमारा बेल्ट हो जाएगा। हाँ देखिए 32 इंच है ये, तो हम एक निशान इधर लगा देंगे और एक निशान 32 को यहाँ रखें, एक निशान इधर। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी चौड़ाई देखें कपड़े की कितनी है, 14.5 इधर से एक निशान लगा लेंगे और 14.5 इधर से इतना ही बनेगा। इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल, हम इस कपड़े को इस तरह से इंची टेप के साथ बिल्कुल सीधा रख के मार्किंग कर लेंगे थोड़ी थोड़ी जगह पर। ये हमारी पार्ट की कटिंग हो गई है, अभी इसको साइड में रख देंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे कलियों की। तो हम पहले इस कपड़े को ऐसे ही 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब एक निशान लगाएंगे हम ऊपर इस तरह से, पार्ट की जो लंबाई हमारी 32 इंच थी ऐसे ही कली की लंबाई लेंगे हम 32 इंच, और जो हमारी पार्ट की चौड़ाई थी 14 इंच, 14.5 इंच। और हमारी जो मोरी तैयार है, मोरी तैयार है हमारी 6.5 इंच, 6.5 इंच का डबल हो गया हमारा 13 इंच। अब इसमें हम 13 में 4 ऐड करेंगे जिसमें हमें दबाव और साइड में दबाव के काम आएगा, यानी कि 13 और 4 17, 17 इंच टोटल होना चाहिए हमारे पास, 14.5 वो और 14.5 और 3 17.5, यानी कि 1.5 इंच की हम कली एक्स्ट्रा यहाँ से काट लेंगे नीचे की तरफ से। इसको और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप, मिनिमम 4 इंच तो होना चाहिए, ज़्यादा भी कर सकते हो आप, 13 और 4 17 होना चाहिए हमारा। अब इसको हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, यहाँ से भी। सिलवार आप अपने हिसाब से भारी हल्की बना सकते हो, हम इसमें जो निशान लगाएंगे वो लगा रहे हैं 28 इंच पर, और आसन का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 10 इंच पर, क्योंकि हैवी साइज है सलवार का, नहीं तो हम 9 इंच पर लगाते हैं अगर थोड़ा हल्का होता तो साइज। और इस पॉइंट को आस्तान के पॉइंट से मिला देंगे,
इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस शेप से थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे हम ताकि सलवार जो है ना लटके ना, आधा पौना इंच अंदर की तरफ। ये हमारी दो कली कट के तैयार हो गई। अब कपड़े को घुमा लेंगे इस तरह से। अब हम दो कलियों को इस तरह से रख लेंगे या फिर इधर से हम 8 इंच का निशान छोड़ लेंगे बेल्ट के लिए। इस निशान से परे हमने कलियां निकालनी है अपनी इस तरह से। इनको अच्छी तरह से बिछा लेंगे। देखिए कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी 4 रो कली कट कर तैयार हो गई है। कली ये हो गई, पार्ट हमारे ये हो गए। अब इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बेल्ट का कपड़ा है। बेल्ट काटेंगे हम जो हिप का साइज है। हिप साइज था हमारा 23, इसमें हम 4 इंच ऐड कर लेंगे, 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हमारा 23 और 4 27 इंच बेल्ट रखेंगे तैयार। 27 और 1 इंच हम दबाव के लिए लेंगे, 28 इंच। ये 28 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और 8 इंच इसकी चौड़ाई इधर करनी है तो इधर से काट लेंगे हम इस तरह से। हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की जो लंबाई दी थी हमने वो है 16 इंच, मोरीज की 11। जो कपड़ा बचा है इस तरह से, अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और सबसे पहले एक निशान लगा लेंगे सीधा बिल्कुल। इसकी लंबाई 16 इंच, इसमें प्लस 2 इंच करेंगे हम 18 इंच। 18 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। 2 इंच मार्जिन जो रखे हम ऊपर और नीचे के लिए रखेंगे इस तरह से। इसकी मोरी थी 11 इंच, 11 का 8 5.5, तो 5.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और 1.25 इंच मार्जिन के लिए हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम जो मुड्डे की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे सीने के हिसाब से।
अब ये देखिए सीना हमारा है 41 इंच, 41 का फोर्थ चौथा हिस्सा, 41 का फोर्थ हिस्सा है 10.25 इंच। तो 10.25 इंच प्लस 0.5 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए, यानी कि 11.5 इंच पूरा पूरा आ रहा है हमारा। तो 11.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, ये पूरा 11 इंच हो गया। 3 इंच हम डाउन रखेंगे ऊपर से, इसको यहाँ से करीब करीब 2-2.25 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे मुड्ढे के निशान के लिए। आप चाहो तो ये सेब पर से भी कर सकते हो इस तरह से, इस तरह से, और सेपर को फिर उल्टा करके यहाँ से अच्छे तरह से निशान लग जाएगा जैसा आपको इजी लगे। अब सेब फट्टी की सहायता से हम इस कोने से यहाँ से इस पॉइंट तक एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसी कटिंग कर लेंगे हम, एक कट ऊपर लगा लेंगे, एक कट नीचे सेंटर के लिए। अब हम इसको इस तरह से खोल लेंगे बज्जू को, और जो 2 इंच पर निशान लगा था वहां से हम करीब करीब 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे कि इस तरह से, और ऐसे ही सेपर की सहायता से मार्क कर लेंगे इस तरह से, इसको हम डाउन कर लेंगे 2 पल्लों को सिर्फ, ना कि 4 को। ये हमारे सामने का निशान हो जाएगा, सामने की गहराई देते हैं ऐसे, इस तरह से हमने ये देखिएगा, ये सामने की गहराई आ गया, ये हमारी, ये बाजू की कटिंग भी हो गई हमारी। इस प्रकार से हमारी सलवार और कुर्ते की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में कुछ कमी रही हो तो ज़रूर बताइएगा।